डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने रिसेंटली एक 3 टायर फीडबैक सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें स्टूडेंट्स को टीचर का फीडबैक देना है, कॉलेज का फीडबैक देना है, ठीक है, और टीचर को भी मतलब जो है कॉलेज का स्टूडेंट्स का फीडबैक देना है, कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको करना है। ये ट्यूटोरियल में थोड़ा सा मैं मतलब स्टूडेंट्स के रिलेटेड ही बना रहा हूँ, जिसमें इसमें मैं मेंशन कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को कैसे लॉग इन करना है, कैसे जो 3 टाइप फीडबैक सिस्टम है इसमें जो है वो अपना जो है वो फीडबैक कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स को क्या करना है कि एक लिंक या तो आपके जो कंसर्न टीचर है उसने आपको लिंक शेयर किया हुआ है, या फिर आप खुद से ही जो है ये जो है वो आप जो है वो सर्च करके dhe.nic.network.in ये वाला जो डोमेन है इसको आप सर्च करके आप जो है वो आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये वाला होम पेज आ जाएगा, जिसमें आपको लॉगिन करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चाहिए, ठीक है, और दूसरा पासवर्ड है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास भी होगा और दूसरा जो पासवर्ड है, जैसे मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंडर की बात कर रहा हूँ, तो आपका जो मोबाइल नंबर जो आपने प्रोवाइड किया है कॉलेज में वो आपका पासवर्ड होगा, या भी कंसर्न जो आपके टीचर्स हैं उन्होंने आपको शेयर भी किया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है अपना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो इंटर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और आपका जो पासवर्ड है वो आप अपना जो है मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटर करने के बाद जब आप साइन इन करेंगे तो आपका जो है ये डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इस डैशबोर्ड में आपके सामने जो है आप आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे कि यहाँ पे है क्लिक हियर टू पोस्ट कॉलेज फीडबैक। जब आपने कॉलेज के लिए फीडबैक देना है, अपने इंस्टीट्यूट के लिए फीडबैक देना है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है अभी आपने क्या करना है, आपने कंसर्न जो है आपका जो कोर्स है उसमें जो जितने भी पेपर्स हैं उनके लिए है, जैसे यहाँ पे है ये बॉटनी का जो है कोर्स, थ्योरी का कोर्स है, इसके लिए आपने फीडबैक यहाँ पे देना है। तो उसके अलावा जैसे ये केमिस्ट्री का है, ठीक है, केमिस्ट्री का लेबॉर्ट्री का फीडबैक अलग से है, ठीक है, तो थ्योरी का फीडबैक अलग से है, ठीक है। तो इसमें से मैं सबका जो तरीका है सब हर एक फीडबैक में एक ही है, तो मैं इस जो है ये वाला जो थ्योरी का जो है मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, पोस्ट फीडबैक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पास जो है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है क्यूरीज मिलेंगी, ठीक है, बहुत सारी सेक्शंस हैं, जैसे एटीट्यूड के बारे में सेक्शन है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इसको केयरफुली पढ़ना है। तो आपने फीडबैक जो है 5 4 3 2 1 एंड नॉट श्योर इसके बारे में देना है। 5 आपने तभी देना है जब आपको लग रहा है कि मतलब जो आप जो बात यहाँ पे पॉइंट में पूछी गई है उसको उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ के तो आपने इसके हिसाब से इसकी रेटिंग करनी है, ठीक है। तो इसको फॉर एग्जांपल मैं जो है ये एक मैं डेमो दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 5 देना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर 4 देना है तो इस तरह से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह जो है यहाँ से जो है बहुत सारे हैं, जैसे फर्स्ट एटीट्यूड में 7 क्यूरीज है, कंडक्ट ऑफ ट्यूटोरियल्स में 4 क्यूरीज हैं, फिर ओवरऑल रैंकिंग में आपने देखना है, ठीक है। ये सारा ध्यान से पढ़ के उसके हिसाब से आपने क्या करना है, अपने टीचर का फीडबैक देना है, ठीक है। फिर जब ये पूरा आप कर लेंगे उसके बाद क्या है, फिर आपने ओवरऑल रेटिंग देनी है आपने सारी चीज़ों में से। आपने क्या करना है, 3 या 4 जो है यहाँ से आप चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, जैसे पंक्चुअलिटी पे क्लिक कर पा रहा हूँ, सब्जेक्ट पे, एटीट्यूड पे, टीचिंग पे, ठीक है, लेबोरेटरी इंटरेक्शन पे, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है कि आप मिनिमम 3 थिंग्स जो है आपने अपने टीचर के बारे में बतानी है, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप कहते हैं, आप सोच रहे हैं कि आपने अपने टीचर को इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत है या चेंज की ज़रूरत है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इन चीज़ों में से कोई भी आप कोई चीज़ या 3 एरिया जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और मगर जब आपको लगता है कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट फीडबैक, ठीक है। सबमिट फीडबैक करने के बाद आपके पास सबमिट हो जाएगा, ठीक है। मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ सबमिट फीडबैक पे, ठीक है, क्योंकि ये डेमो में दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद है क्लिक हियर टू पोस्ट कॉलेज फीडबैक। जब कॉलेज के बारे में आपने फीडबैक देना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसी तरह जैसे आप मैंने पहले उसके बताया जो टीचर फीडबैक है, बिल्कुल वैसे ही है, इसकी रेटिंग भी बिल्कुल वैसे ही है, 5 4 3 2 1 और नॉट श्योर, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, नॉट श्योर लिखेंगे।
ठीक है, तो इसमें आईसीटी इम्प्लांटेशन हो गया, आईसीटी हो गया, जैसे मतलब जितने भी मतलब हमारी क्लास स्मार्टफोन क्लास रह रहे हैं नहीं, ठीक है, सॉफ्टवेयर ज़रा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारे जो है इस चीज़ के लिए है। और ब्राउजिंग सेंटर्स जो है कॉलेज में है कि नहीं है इसके बारे में रेटिंग है। फिर उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि कॉलेज में जो है सफिशेंट आपके पास क्लासरूम्स हैं कि नहीं है, तो आप यहाँ इनको ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद इसका रेटिंग करेंगे। फिर उसके बाद इनिशिएटिव्स के बारे में है, ठीक है, तो जैसे स्किल और वोकेशनल कोर्सेज यहाँ पे हो कॉलेज में होते हैं कि नहीं होते, कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम रेगुलर बेस पे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल रैंकिंग है, ठीक है। फिर स्टाफ के बारे में है कि आप मतलब जो है किस तरह से है, क्या है, लाइब्रेरी स्टाफ के बारे में है, स्पोर्टिंग स्टाफ के बारे में है, ठीक है। फिर पीटीआई स्टोर स्पोर्ट्स स्टाफ जो है उसके बारे में है, लेबोरेटरी स्टाफ के बारे में, फिर उसके बाद वही है ओवरऑल रैंकिंग है। जब ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो अब आपने क्या करना, तब देन यू हैव टू सबमिट फीडबैक, ठीक है। जब आप सबमिट कर लेंगे फीडबैक को, तो देन इट विल अपियर एज फीडबैक टू पोस्टेड, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा आपके पास फीडबैक पोस्टेड आ जाएगा ग्रीन कलर में, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो है जो फिर दूसरे सब्जेक्ट का है, जैसे दूसरे थ्योरी का कोर्स है, लेबोरेटरी कोर्स है, तो फिर आपने इस तरह से अपने हर एक टीचर का अलग अलग से यहाँ से क्लिक करके फिल करना है।